कभी बिताते थे अपनी रातें फुटपाथों पर कवि कुमार आजाद। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उन्हें डॉक्टर का किरदार मिल जाएगा। भारत के सबसे बड़े कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से पहचान बनाने वाले डॉक्टर हाथी, जिनका असली नाम है कवि कुमार आजाद, अब इस दुनिया में नहीं रहे। फेमस कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद का हार्ट अटैक से निधन हो गया। लेकिन कैसे इन्हें मिली पहचान जानते हैं? जिंदगी कब नया मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। किस्मत के ताले किसी से पूछ कर नहीं खुलते। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पॉपुलर शो में डॉक्टर हाथी का रोल उन्हें कैसे मिल गया? उन्हें इस पे खुद विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त वो फुटपाथों पर सोया करते थे। जहाँ सपने हर कोई देखता है, कवि कुमार ने भी एक समय एक्टर बनने का सपना देखा था और एक्टर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आजाद कवि के माता पिता इनके सपने से खफा थे, क्योंकि उनका मानना था कि टीवी पर दिखाई देना कोई मामूली बात नहीं है, और माता पिता के इसी रवैये से तंग आकर वो एक दिन मुंबई चले गए। जब तक सही समय नहीं आता, तब तक इंसान को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा ही आजाद के साथ हुआ। कवि कुमार आजाद में टैलेंट तो था, पर इनको पहचानने वाले कोई नहीं थे। शुरू में इनको कोई अच्छा रोल न मिलने के कारण इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये रहने के लिए किसी को किराया दे पाए, इसलिए आजाद फुटपाथों पर ही सो जाया करते थे। एक दिन आजाद किसी नाटक का रिहर्सल कर रहे थे, तब उनके पास एक बुलावा आया कि आपको हमारे बॉस ने बुलाया है। बस यहीं से उनकी जिंदगी ने अच्छा मोड़ ले लिया और इनको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार मिल गया। शो में वो डॉक्टर थे, लेकिन ओवररेटेड डॉक्टर थे। उन्हें हर कोई बहुत प्यार करता था। कवि कुमार आजाद का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, और जिस समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा वो घर पे थे। आज कवि कुमार आजाद हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने जितना हमें हंसाया है, अपनी अदाकारी से हम सबको जितना लुभाया है, वो यादें कभी नहीं मिट सकती। वो यादें सदा हमारे जहन में जिंदा रहेंगी। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, कवि कुमार आजाद के निधन पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें।